कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान पर बेचने के लिए ले जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बिक रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने भाई को जलेबी खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे, अब कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध मिलता है। और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सरू और गुड्डू की छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दोनों दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू को गोद में सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है, पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट जाऊंगा, तुम यहीं रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब सरू ज़्यादा देर हो जाती है, स्टेशन पूरा खाली हो जाता है। स्टेशन पर सिर्फ सरू अकेला बसता है। सरू वहीं स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। सुबह जब वो उठता है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और चारों तरफ भागने लगता है और अपने भाई को आवाज़ देता है। साथ ही साथ ट्रेन के दरवाजे भी खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। उस दिन का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंचाती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से है। वो स्टेशन पर उतरता है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आ गए जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर इस रात में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माँ की एक मूर्ति दिखाई देती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद रखा होता है उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तैल है। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव है कि उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है। वो कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ आएगा। अगली सुबह वहाँ पर एक रामा नाम का आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर वो उस घर से भाग जाता है। सरू अपने कई दिन तक हावड़ा ब्रिज पर बिताता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है, किस तरह उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो किस तरह अपनी मम्मी की हेल्प किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है और अब वो उनसे 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को खुद नहीं पता। सरू को इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और
बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोले नहीं आती, इसीलिए ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि ये कहाँ से है तो इसने बताया कि गणेश तेल्ले से है। इस जगह के बारे में ना ही लड़के को कुछ पता होता है, ना ही पुलिस को कुछ पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे खुद अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहाँ गुजारता है और 3 महीने बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिनका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती हैं कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैंने न्यूज़पेपर में इसकी ऐड भी दी है जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड सिखाती है, टेबल मैनर्स सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है, उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सरू को अपने घर ले जाते हैं। सरू छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है क्योंकि ये देश, यहाँ की मिट्टी सब सरू के लिए नए हैं। सरू की ये अडॉप्ट मॉम जिसका नाम शू है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था और तुम मुझे कुछ समय के बाद अपने आप सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन देखना शुरू कर देता है और बहुत जल्द वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शो सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। 1 साल बाद वो एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने के साथ साथ समझाने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि वो इसकी हेल्प करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनको गले से लगा लेता है, यानी कि अब वो उन्हें पूरी तरह से अपनी मॉम मान लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। तो जॉन और उनकी वाइफ शू को सरू पर बहुत गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर और मिसेस जॉन ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल इंट्रोडक्टरी की क्लास में पहुंच जाता है जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना एक होटल खोलना चाहता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है। इसके बाद यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टीज रखते हैं जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वह पल याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि उसे जलेबी ज़रूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियाँ खरीद लेगा। सरू जब वो लम्हा याद करता है तो उसकी आँखों में आंसू हो जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वह कलकत्ता से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन कितने दिन तक की थी। सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश तल्ले, लेकिन सरू को अब यह भी नहीं पता कि वो अपने गाँव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलने नहीं आती, वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज थे जहाँ पर तुम बचपन में थे और वहाँ से हम ट्रेन की टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करेंगे और वापस जाएंगे तो हम तुम्हारे गांव के आसपास पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है।
वो कहती है कि गूगल अर्थ की सहायता तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। इसके बाद वो पार्टी से बाहर निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सरू को अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गाँव की बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसके भाई, उसके बहन, उसकी मम्मी उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए वह गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की दूरी को कैलकुलेट करके हर तरह से अपने गांव की ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी की सारी कोशिश बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं, पर सरू अभी तक अपने गाँव के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे घर जाने के लिए कह रहा है। सरू अपने परिवार को, अपने गांव को ढूंढने में बहुत बिजी हो गया। लूसी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, वो बहुत बीमार है। सरू को अब तक लगता था कि उसके मॉम डैड ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, पर उसकी मॉम ने उसे बताया कि ऐसा नहीं था, मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इससे दुनिया में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें एक पेरेंट्स की और फैमिली की ज़रूरत थी। वो सरू को अपने बचपन की एक बात बताती है और वो कहती है कि तुम अब मुझसे बात नहीं करती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ वो बायोलॉजिकल मॉम को भी ढूंढना चाहता था, अपने भाई को ढूंढना चाहता था। इसलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, पर जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है, उसे बहुत जगह दिखाई देती है जहां उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो आसपास के एरिया को सर्च करता है और उसे अपने गाँव का नाम गणेश तेल्ले दिखाई देता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गाँव मध्य प्रदेश के खांडवा ज़िले में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो इस बात को लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो इंडिया जाकर अपनी फैमिली से मिले। वो अब भारत आ जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने बचपन बिताया था। धीरे धीरे बचपन की यादों को आगे बढ़ता हुआ वो अपने घर पहुँच जाता है जहाँ बचपन में उसकी मम्मी भाई गुड्डू के साथ वो रहता था, पर अब उसके घर में वहाँ कोई नहीं था। वो आस पड़ोस के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती है और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उससे अपना, अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है। उससे पूछता है कि जो परिवार पहले यहाँ रहते थे वो अब कहाँ चले गए। वो आदमी इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, पर कुछ ही देर के बाद वो वापस आता है और सरू को इशारा करता है। जब सरू उस तरफ देखता है तो सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत उसकी मम्मी होती है जिसकी गोद में सरू का बचपन बीता था। वो उनसे गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मम्मी आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका बेटा लौटकर ज़रूर आएगा। सरू की बहन भी साथ में होती है। वह अपनी बहन को गले लगाकर रोता है। सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था, सरू को नींद आ गई थी, उसी रात उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि एक माँ ने उस रात को अपने 2 बेटों को खोया था, पर ईश्वर उसकी आस्था पर विश्वास था। इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे का इंतज़ार करती रही और अब 25 साल के बाद उसकी उम्मीद पूरी हुई, उसका बेटा वापस लौट आया। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम डैड को कॉल करता है और बोलता है कि मेरा परिवार मुझे मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप आज भी मेरे लिए वही हो जो पहले थे। आप आज भी मेरे लिए मेरे वही मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहां वो अपने भाई के साथ खेला करता था। इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लॉयन। इस तरह से इस कहानी की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। थैंक यू।